आखिरकार टूट ही गया सुहानी के सब्र का बांध। आज ना चाहते हुए भी सुहानी ने दे ही दिया युवराज की हर बात का करारा जवाब। सुहानी आज युवराज पर कुछ इस तरह से बरसी कि जिसे देख युवराज की बोलती ही बंद हो गई। बहुत टाइम हो गया, इतना वक्त गुजर गया, मुझे लग रहा आप समझेगा पर उसे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, दादी बड़ी हैं, उनकी इज्जत करते हैं, पर बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त मेरे परिवार की बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती करें। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है, फिर उनकी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो आज मैं बोल पड़ी। तो सुना आपने, आज सुहानी किसी की भी एक नहीं सुनेगी। आज सुहानी का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यही वजह है कि गुस्से में सुहानी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। यानी कि इस मियां बीवी के झगड़े का लेवल कुछ इतना बढ़ गया है कि घर वाले बेचारे चाहकर भी सुहानी को घर से जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर सुहानी को वापस लाना हो तो उन्हें मनाने के लिए क्या करना होगा, ये खुद हमें सुहानी ने ही बताया। नहीं, वो बस अपनी सोच बदल ले। एक अच्छा इंसान जो सोचता है, जो सूरत और सीरत कुछ चीजें होती हैं और प्यार पता नहीं करता नहीं है, तो वैसे भी इस रिश्ते में बनने का मतलब नहीं था क्योंकि प्यार तो वो करता नहीं था। ऐसा कुछ है नहीं, मैंने वापस आने का सोचा नहीं, तो डिमांड तो बात की बात है। यानी कि युवराज को अगर अपनी रूठी हुई बीवी को वापस घर लाना है तो उन्हें इनकी इन सारी डिमांड्स को पूरा करना होगा। वेल, क्या युवराज वाकई सुहानी को मना कर वापस घर लाएंगे? क्या सुहानी वाकई अपने ससुराल लौट आएंगी या फिर युवराज से अलग होने का फैसला करेंगी? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त के साथ ही मिल पाएंगे, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, साथ टेली मसाला के डेली अपडेट्स को भी देखना होगा।